प्रज्ञा तनु से कहती है कि जब मेरी अपनी से शादी हुई तो वो मुझसे बहुत नफरत करते थे, पर धीरे धीरे वही नफरत प्यार में बदल गई, वो भी तुम्हारी आंखों के सामने। प्रज्ञा कहती है कि प्यार बेशक थोड़ा सा ही हो बट उसको पढ़ने में टाइम नहीं लगता, बशर्ते वो प्यार सच्चा होना चाहिए। तनु कहती है कि मैं अपने होने वाले बच्चों को मेरा परिवार का नाम ही दूंगी। प्रज्ञा कहती है कि मैं भगवान की कसम खा के कहती हूँ तुम मैं ये नहीं होने दूंगी, मेरा परिवार का नाम सिर्फ मेरे होने वाले बच्चे को ही मिलेगा। प्रज्ञा तनु से कहती है कि प्यार की भाषा तुम और तुम्हारा बॉयफ्रेंड क्या समझोगे। ये सुनकर तनु हैरान हो जाती है। तनु कहती है कि तुम्हें अभी तक मेरे बॉयफ्रेंड का नाम नहीं पता। तनु मजाक में कहती है कि मुझे तुमसे इतनी इंटेलिजेंट लड़की से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। तनु कहती है कि तुम अभी को क्या बताओगी जब वो तुमसे पूछेगा कि अगर मैं इस बच्चे का बाप नहीं हूँ तो इस बच्चे का बाप। ये कहकर ये सुनकर प्रज्ञा वहाँ गुस्से से वहाँ से चली जाती। दूसरी तरफ अभी दादी से कुछ कहता है। दादी जब घर मेरा हाउस में आती है तो प्रज्ञा को आंख मार कर कहती है कि मैं सरला जी से मिलने जा रही हूँ। वहाँ जाकर दादी सरला को कहती है कि मैं अब थोड़ी देर के बाद अभी ऊपर कमरे में आएगा, मैं अभी के सामने प्रज्ञा को झूठ मूठ में डांटूंगी, आप भी मेरी उसमें मदद करना। दूसरी तरफ प्रज्ञा और अभी बात कर रहे होते हैं। प्रज्ञा कहती है कि आज के बाद से इस घर की खुशियां वापस आ जाएगी। अभी कहता है क्यों तुम ये घर छोड़कर जा रही हो। प्रज्ञा हंसते हुए कहती है कभी नहीं। अपकमिंग एपिसोड में पूरब रोनी और प्रज्ञा बात कर रहे होते हैं। प्रज्ञा कहती है कि अब हमें तनु की सच्चाई सबके सामने लानी होगी क्योंकि वो अब तंग आ चुकी है और उसने भगवान की कसम खाई है कि तनु की सच्चाई वो सबके सामने लेकर आएगी।